आज हम नवाज मैम से मिलने जा रहे हैं, जो कि बॉडी आर्ट फिटनेस सेंटर की ओनर है। आज तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जो खुद फिटनेस की क्वीन है। हम उनसे बहुत से टिप्स लेंगे कि अपने आप के लिए और म्यूजिक के लिए भी कैसे अपने आप को फिट रखना। कुछ स्पेशल मतलब सेशंस करेंगे वो हमारे साथ और बहुत सारे टिप्स देंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। हाय, हेलो, तो वेरी गुड, वेलकम। तो नॉर्मली हम जाते हैं या हमारे टीम मेंबर्स जाते हैं उनके होटल पे, कंटेस्टेंट्स के होटल पे, उनको फिट करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ अलग करूं। पहली बार आप बॉडी आर्ट आए हैं, ठीक है, तो आज खास सेशन आपके लिए प्लान किया हुआ है, तो चलो आप लोग तैयार हो जाओ। सिंगर्स के लिए फिटनेस को होल्डिंग पावर चाहिए, स्टेइंग पावर चाहिए, लंग कैपेसिटी चाहिए, डायफ्राम ओपनिंग चाहिए, पॉस्चर डेवलपमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोर चाहिए, तो फिटनेस और न्यूट्रिशन अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट है। तो जब वो कुछ चीज़ें हमको जैसे समझा रहे थे ना, तो उस बीच में मतलब जैसे शिवम उठ के आ गया और ऐसे ही मतलब वो मैम की जगह लेके ना मैम की जैसे ट्रेन कर रहा था हम लोग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सही देख रहे हैं, इंडियन आइडल के सभी टॉप कंटेस्टेंट्स गए थे बॉडी आर्ट फिटनेस सेंटर। यानी कि बॉडी आर्ट फिटनेस सेंटर के बारे में बात करें तो कोई छोटा मोटा जिम सेंटर नहीं फ्रेंड, ये जो गौतम सिंघानिया की पत्नी यानी कि नवाज मोदी सिंघानिया चलाती है, जो अभी के समय में वो खुद एक फिटनेस की आइकन है फ्रेंड्स। अब वही गौतम सिंघानिया के बारे में बात कर रहे हैं जो रेमंड ग्रुप के हैं अभी चेयरमैन और निदेशक। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उनसे बहुत सारे टिप्स लिया आज इंडियन आइडल के सभी टॉप कंटेस्टेंट्स।